Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ayush Sharma, first year student at St. Xavier's College, Kolkata, and I recently cleared my CA Foundation examination. So the last video was of law, और ये video में मैं सिर्फ quantitative aptitudes के बारे में बात करूँगा, और इसके जो next videos रहेगा, वो accounts और economics के ऊपर रहेगा. तो मैं just sequence में ये video बना रहा हूँ. It's about the difficulty level and how we feel about them. ठीक है, तो law is a subject जो almost सबको डर लगता है. उसके बाद आता है quants, जिसमें almost like I know a lot of friends who have failed in CA Foundation just because of quants. So I will speak on quants today. So कुछ ऐसे बच्चे होते हैं who have not opted for maths in class 11 and 12. तो उनका क्या होता है, practice छूट जाता है and that makes it difficult for them in CA Foundation. And to be honest, it's not that tough. Basics ही है सारे chapters. It's not एक अलग level का hard toughness. It's all about the basic maths जो कि है. ठीक है, सो नाउ आई विल टेल यू कि आप किस सीक्वेंस में चैप्टर्स करना चाहिए आपको. जो सीक्वेंस मैंने किया था, एंड ये सीक्वेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द चैप्टर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स द चैप्टर. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कैलकुलस वॉज ईजी फॉर मी, क्योंकि मैंने 11 और 12 में कैलकुलस कर लिया था अच्छे से. सो मैं कैलकुलस में, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा था ध्यान देने में. मैं जस्ट रिवाइज किया था फॉर्मूला एंड आई जस्ट ऑप्टेड फॉर द सम्स इन द एग्जामिनेशन. तो आप भी अपने पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड्स चैप्टर के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको कर सकते हो. सो पहले आपको जो चैप्टर्स करने चाहिए वो तो है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम, उसके बाद इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन. व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको ये चैप्टर्स करने चाहिए, इट्स बिकॉज कि जो बेस है आपका, जो आगे सारे चैप्टर्स हैं उसमें से ये सब बहुत ज्यादा ही काम आएंगे. लॉगरिथम काम आएगा आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस में, और इंडिसेस काम आएगा इसी चैप्टर में, एंड मोस्ट ऑफ द अदर चैप्टर्स में भी ये सब काम आते रहेगा. सो मेक श्योर आप ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं स्टार्टिंग के एक वीक में. इट विल हार्डली टेक अ वीक टू कम्प्लीट ऑल दीज चैप्टर्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है. यू जस्ट हैव टू वॉच द वन शॉट वीडियो और जस्ट सी द कंसेप्ट ऑफ द वीडियो, और उसके बाद सॉल्व द मॉड्यूल. बिकॉज अगर आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ. ठीक है, उसके बाद आता है द मोस्ट वेटेड चैप्टर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिक्स और फाइनेंस. आपको इसमें प्रॉपरली ध्यान देना है. ठीक है, मेक श्योर आप एक फॉर्मूला बुक बना रहे हो जहां पर आप सब चीज के फॉर्मूला लिख रहे हो और आप उस फॉर्मूला को रिपीटेडली देख रहे हो. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला बुक बना के बस रख दियो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मेक श्योर आप या तो जल्दी सुबह उठ के आप एक बार फॉर्मूला बुक को पूरा पढ़ रहे हो, या फिर सोने के पहले आप फॉर्मूला बुक को पूरा पढ़ रहे हो. दिन में एटलीस्ट एक बार वो फॉर्मूला बुक पूरा पढ़ लेना चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम में क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा अबाउट द फॉर्मूला. ठीक है, तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस इज रिलेटिवली ज्यादा बड़ा चैप्टर, सो मेक श्योर आप उसमें ज्यादा टाइम फोकस करें. इट विल हार्डली कम अप 15-20 मार्क्स आई गेस, तो मेक श्योर आप उसमें पूरा ध्यान दें. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग. ये दोनों चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड है. सो पीपल हु आर नॉट दैट गुड इन प्रैक्टिकल, अगर आप इसका वन शॉट वीडियो भी देखेंगे स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग का, तो यू कैन इजिली सॉल्व द थियोरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा फ्रॉम दीज चैप्टर्स. और ये चैप्टर्स का वेटेज भी ज्यादा हाई रहता है, सो मेक श्योर यू डू दिस. उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, ये सब जो चैप्टर्स है वी हैव डन इट ऑलरेडी इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10. इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि ये सब चैप्टर्स आप पहले कर सकते हो. ठीक है, लाइक स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल है. सो मेक श्योर, ये भी फॉर्मूला हैवी चैप्टर है, तो जो भी फॉर्मूला हैवी चैप्टर है ना, उसमें मोर देन डूइंग द सम क्या इंपॉर्टेंट है, मोर देन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला. तो आप प्लीज मेक श्योर करना कि आप फॉर्मूला बुक में सारे फॉर्मूला अच्छे से लिख रहे हैं एंड रिपीटेडली उसको रिवाइज कर रहे हैं, ताकि वो आपके ब्रेन में फिट हो जाए अच्छे से फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ क्या हुआ था कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वॉज वन थिंग जिसमें मैं बहुत ज्यादा ही वो हो रहा था, मेरे को फॉर्मूला उसका याद नहीं हो रहा था. एंड लास्ट डे तक क्या हुआ था, इवन इन द एग्जाम सेंटर, एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन आए थे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का, एंड आई कुडंट डू बोथ ऑफ देम जस्ट बिकॉज आई डोंट नो द फॉर्मूला. एंड बोथ ऑफ देम वे द बेसिकेस्ट, बहुत ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन थे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से. सो मेक श्योर आप फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करो. उसके बाद आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एपीजीपी. इसका भी वन शॉट देख के आप सॉल्व कर लेना मॉड्यूल का. दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो रिलेटिवली इजियर, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर थिंग. उसके बाद आता है सेट्स. ठीक है, सेट्स जो है, सेट्स में आपका कंसेप्ट है थोड़ा सा, आप वन शॉट देखना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, हाफ ऑफ द थिंग इज ऑलरेडी डन. ठीक है, उसके बाद यू कैन डू प्रोबेबिलिटी.
उसके बाद कोरिलेशन, उसके बाद इंडेक्स नंबर, उसके बाद थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मैं लास्ट में इसीलिए बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग अगर आप लास्ट वन वीक भी डेडिकेट करोगे तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज आपको जस्ट देखना है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन दैट इज कमिंग, और वो सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आप लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फोकस ऑन द अदर चैप्टर्स जो कि थोड़ा रिलेटिवली हार्डर और टफ है स्टार्टिंग में, ठीक है। नाउ व्हाट वुड आई से इज, अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट थे जिसका मैथ्स नहीं था, डू नॉट ऑप्ट फॉर डिफरेंशिएशन या फिर ये सब चीज, कैलकुलस अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम है सो मेक श्योर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब यू कैन एक्चुअली कंप्लीट द फुल होल सिलेबस, ठीक है। बट इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट और आपके पास टाइम भी नहीं है, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कैलकुलस, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी से मैक्सिमम एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो सेट्स के साथ इंक्लूडेड रहता है। सो अगर आप वो नहीं कर रहे हो दैट वोंट बी एन इशू, फिर डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी इट वोंट बी दैट हैवी। तो अगर आप उसको छोड़ रहे हो और बाकी सारे चैप्टर्स में फोकस कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। नाउ द टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज एग्जाम रिलेटेड, कि मेक श्योर अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप हर एक क्वेश्चन कम से कम एक बार देख लो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो टफ है बट जो आगे के क्वेश्चन है वो इजी है। सो आपको तो मैटर करता है कि आपको 40 से ज्यादा करना है इन मैथ्स, ठीक है। तो अगर इफ दैट्स योर गोल, मेक श्योर यू सी ऑल द क्वेश्चंस पहले। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पे आई वॉज नॉट स्पेंडिंग मोर देन, अगर मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है सो मैं उसमें 45 सेकंड से ज्यादा दे नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सी द अदर क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन बुकलेट में थे, विच कुड हैव बीन इजियर एंड विच वेयर एक्चुअली इजियर। सो मेक श्योर आप वो सम्स, सारे सम्स देख लें एक बार, ठीक है। नाउ आई वुड रिकमेंड द फैकल्टीज, फैकल्टीज के लिए फॉर मैथ स्टूडेंट आई वुड रिकमेंड सी ए निशांत कुमार, ही इज द बेस्ट टीचर। इफ यू हैड मैथ्स, ही डज नॉट टीच द बेसिक्स, but if you had maths in class 11 and 12 you can definitely, I will definitely recommend unke youtube channel. And for non maths students Akash Agarwal sir ke videos is like the best thing that you could have, theek hai. Like wo sara basics bhi samjhate hain. I remember ek video mein to he was also teaching lcm, so aap unka videos definitely you can go and see those videos and make sure ki aap acche se solve karo. Now ek bahut acha cheez main bolunga ki if you have solved the module, आप एग्जाम के एक दिन पहले जो मैराथन आता है ना, मेक श्योर यू अटेम्प्ट दोस मैराथन, क्योंकि मोर देन 60% ऑफ द क्वेश्चंस वहां से उठ के आ जाते हैं। लाइक मेरे टाइम क्या हुआ था, आई वाज वाचिंग आकाश अग्रवाल का वीडियो, ठीक है, एक रात पहले, एंड आई डोंट नो हाउ बट ऑलमोस्ट लाइक जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे दोज वेयर फ्रॉम द सेम पैटर्न जो कि आकाश अग्रवाल सर ने कराए थे, ठीक है। तो आप ये सब, आप आकाश अग्रवाल सर के मैराथन को ज्यादा अच्छे से फोकस करके जा सकते हो, बिकॉज उनका मैराथन क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपीज एंड ये सब से बना रहता है, सो इट नोज द पैटर्न, और एमसीक्यू सब्जेक्ट, एमसीक्यू रिलेटेड सब्जेक्ट है सो इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न, और उस पैटर्न में अगर आप आंसर सॉल्व करोगे तो यू कैन इजिली गेट मार्क्स। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू सी द कैलकुलेटर ट्रिक्स, बिकॉज इफ यू हैव नॉट सीन द कैलकुलेटर ट्रिक्स यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट अ होल पार्ट, ठीक है। तो आप प्रॉपरली कैलकुलेटर ट्रिक्स का वीडियो देखो, आई वुड रिकमेंड अनुराग चौहान सर का वीडियोज भी, बिकॉज उनका वीडियोज बहुत ज्यादा ही कंसेप्ट बेस्ड रहता है और वो कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाता है उनका वन शॉट्स में, ठीक है। नाउ व्हाट आई वुड से इज, आप ऑलमोस्ट डेली कैलकुलेटर ट्रिक्स प्रैक्टिस करो, बिकॉज कैलकुलेटर में जितना आपका स्पीड बढ़ेगा उस हिसाब से आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नाउ आई वुड से इज डेली कम से कम 100 MCQs तो सॉल्व करना ही चाहिए, इफ यू आर वीक इन मैथ्स तब तो और ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल दैट आई वुड रिकमेंड यू ऑल फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आई मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन अकाउंट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सी रिलेटेड कंटेंट, स्टडी रिलेटेड कंटेंट एंड एनीथिंग रिलेटेड टू मी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।